अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज का एक्सक्लूसिव शो माजरत के साथ का आप देख सकेंगे और हम इस वक्त मौजूद हैं लाल हवेली में। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जो इस वक्त पसंदीदा शेख रशीद अहमद साहब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग, और उनसे मौजूदा हालात पर और आगे बेसिकली क्या होने वाला है। हमने देखा है कि धरने, एहतजाज, ये बिलखसूस हमें नजर आ रहा है कि दिसंबर का जिस तरह से एंड हो रहा है तो इमरान खान साहब भी मैदान में आ रहे हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी जो इस वक्त है उनकी पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक एक जो है वो रैली कर रही है। शेख रशीद साहब इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं तमाम मामलात में, ये धरने एहतजाज का हासिल क्या होगा ये भी उनसे पूछेंगे। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हम आपके पास आए। समय पहले तो ये जो धरनों का मौसम लौट आया है इस वक्त दिसंबर के अंदर, ये पिछले साल भी दिसंबर में ताहिरुल कादरी साहब ने बड़ा शोर लगाया था, अब इमरान खान साहब भी मैदान में उतर रहे हैं, ताहिरुल कादरी साहब की जमात भी है, आप भी उनके साथ हैं, अचीव क्या करना है आप लोगों को? लोगों की जज्बात की तर्जमानी करनी है। ये नहीं कि लोगों को पता नहीं है टॉक शो पे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है, कोई हुकूमत की गवर्नेंस नहीं है और छह महीने में ही इनका बंपू बोल गया, इससे से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं इस हुक्मरानों की गाड़ी से कि भाई क्या क्या इन्होंने डिलीवर किया है। आज आके इलेक्शन से पहले इन्होंने एक कंपेन लॉन्च किया है यूथ की, मैं इसलिए मुखालफत नहीं करता कि लोग खुद इसका फैसला करेंगे, लेट दी पीपल टेस्ट, लेट दी पीपल ट्राई कि भी ये कहां खड़े हैं, इनका फहम कहां है। कल साग डार साहब कहता है मैं डॉलर 98 रुपए का कर दूंगा, बढ़ाया किसने है? आने दे, देखता हूं मैं किस तरह, ये ना हो कि ये 115 पे करा दें। देखिए आईएमएफ के सारी पेमेंट्स जो हैं ये मार्केट से डॉलर उठा रहे हैं, लोगों का फिर बेचो ताकि फिर उठा लें ये मंडी से लोगों में। आप इन नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करेंगे तो मतलब एहतजाज करना, धरना देना या वॉकआउट असेंबली से करना, ये तमाम तरीके इससे या हुकूमत गिराएंगे, क्या करने का मकसद क्या है शेख साहब? देखें हुकूमत तो अगर जमहूरियत का एक लाहे अमल और रद्दे अमल ना हो, हुकूमत तो गिरी हुई है, इसको सहारा देने जा रहे हैं हम कि शेर बनो, गीदड़ ना बनो, कोई फैसले करो। और लेकिन ये बड़ा क्रूशल ईयर है 2014 जो है, या ये हुकूमत अपनी अहलियत दिखाएगी या ये हुकूमत घर जाएगी। घर कौन भेजेगा, मतलब आप? अवाम भेजेंगे, अवाम भेजेंगे, अवाम भेजेंगे। ना गैस है, देखे ना लाखों बेरोजगार हो रहे हैं, सीएनजी नहीं है जी, गैस नहीं है। अब कहते हैं बड़ा यूरोपीय यूनियन ने हमें 2 बिलियन का, हमारा 2 बिलियन यूएस डॉलर को, बाबा इधर कुछ होगा तो तभी कुछ करोगे ना, इधर कोई लेबर लॉज होंगे, लेबर। और ये बड़ा मुझे शक है कि ये बड़ा रैपिडली तेज करेंगे प्राइवेटाइजेशन। देखो खुर्रम को क्यों उठाया इन्होंने, वो सियासी आदमी है, 101 बार सोचेगा। और वो जिनको लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे ही दो इकॉनमी की किताबें पढ़ने वाले इस मुल्क में समझते हैं वो सारे इकोनॉमिस्ट हैं। दुनिया में अगर इकोनॉमिस्ट ही इतने लायक होते तो ये मुल्क इकोनॉमिस्ट के हवाले होता, किस जगह ये कोई मुल्क इकोनॉमिस्ट। एक साल में वो कहते हैं 12 जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको वो प्राइवेटाइज करेंगे, तो ये सारा क्या मतलब पैसा मियां साहब की जेब में जाएगा, क्या होगा, ये कोई गठजोड़ है मियां मंशा का इनका, जिस तरह की खबरें आ रही है क्या होगा इसका? इस मुल्क में ये मियां मंशा, हसन दाऊद, वो डैडी कील डैडी टाइप लोग, ये सारे स्टेट को चूना लगा के बने, औने पौने दामों लेके स्टेट एंटरप्रेन्योर जो हैं, बिल्डिंग्स उनकी, बड़े बड़े लोग जो हैं, टैक्स चोरों का एक जुमा बाजार बना है। पहले ये चंदा दे देते हैं खुला, 5-10 अरब टका दिए कि लो जी लगाओ खाओ, वो घर रख लेते हैं। चंदा तो इलेक्शन खुद लोग लड़ते हैं अपने इमेज के लिए, इनके पास पार्टी टिकट ही अरबों रुपए के होते हैं जी। फिर पार्टी फंडिंग होती है अरबों रुपए की, इनके तो कारोबार है, इन्होंने ऐसे कारखाने लगाए हुए हैं, सियासत इनकी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में सियासत को बतौर इंडस्ट्री लिया जाता है और जिसके पास जितना पैसा है उतना कामयाब है। या शेख साहब, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था इलेक्शन मुहिम जारी थी, आप यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, आज आप माशाल्लाह असेंबली के अंदर हैं, पूछा था आपने, कहा था इंशाल्लाह असेंबली में होंगे, आप जीतेंगे, आप जीते। आज असेंबली में आके शेख रशीद साहब को क्या फर्क महसूस होता है, या फिर आपको लगता है कि वो वक्त बेहतर था या ये वक्त बेहतर है जो असेंबली के अंदर बैठे हुए, क्या फर्क लगता है आपको? असेंबली में बासकत मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अंदरों में मैं काना राजा हूं, यकीन जाने मुझे ऐसे महसूस होता है कि एक बेजुबानों का जम्मे गफीर है, और ऐसा जम्मे गफीर है कि जिसकी कोई तैयारी भी नहीं है। और इस जालिम माहौल में वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर जान दी,
बांग्लादेश में, उनकी दुआ भी नहीं हो सकती मगफरत। ये तो मैं चीखूं चिल्लाऊं नहीं तो ये असेंबली दुआ भी नहीं करती थी उसके लिए। बड़ा सेल्फिशिज्म है हमारे मुल्क में, बड़ा सेल्फिशिज्म है। हमारी सोच जो है मफाद की सोच है, गैरत, जिम्मेदारी और हुब्बुल वतनी की सोच में बहुत फर्क आ चुका है। हम एक दूसरे के कपड़े तो उतार रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मैं खुद भी नंगा हो जाऊंगा इसमें से। कल जिन्होंने उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में पाक फौज के साथ खड़े हुए उस असेंबली में उनकी दुआए मगफरत जिस मुश्किल से हुई है, आप फुटेज देखें जी। जमात इस्लामी को तो उन्होंने शायद, शरीफ लोग हैं बेचारे, हमने कहा कि नहीं यार ये होगी दुआ, कैसे नहीं होगी ये दुआ। असेंबली में डिस्कस कर लें जी, आप महंगाई पे बहस कर लें, डिबेटिंग क्लब जैसे कोई टॉक शो है, मतलब बातें हैं बस। टॉक शो से भी बेजान है, टॉक शो को तो फिर भी कवरेज मिल रही है, कोई करोड़ दो करोड़ लोग देख रहे हैं। डिबेटिंग क्लब को तो वही 300-400 जो मेंबर है वही नहीं देख रहे, हाजिरी पूरी नहीं है, हाजिरी पूरी नहीं। अगर आप कौम के सामने बताएं कि वजीरों का क्या आलम है कि चौधरी निसार को कहना पड़ा कि मैं आपको स्टूल पे खड़ा कर दूंगा, बड़ी शर्म का मुकाम है। मियां साहब, एक मुंतखब आदमी को जी इतना बड़ा ताना मिल रहा है कि भाई मैं आपको स्टूल में खड़ा कर दूं। तो मतलब शेख साहब, इस पूरे सफर में जो दौरान इलेक्शन आप इससे कई बार गुजरे, असेंबली में इस बार जो आप आए हैं, इस पर आपको लगता है कि ये एक राय का एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी कोई यूजफुलनेस आम आदमी के लिए नहीं है, या फिर जिस आवाम के लिए आप आवाज उठाते थे वहां तक पहुंचना आप कुछ कर सके उस आवाम के लिए जिसने आपको वोट दिया था वहां पहुंच? देखिए मैं तो मूव बनाता रहता हूं, बाज़कात वो मूव परवान चढ़ती है उसको काउंटर कर दिया जाता है क्योंकि हुकूमत के बड़े सोर्सेज होते हैं। मैंने अब लीडर ऑफ अपोजिशन की एक मूव बना दी थी, उन्होंने फौरन चेयरमैन नैब को भी ले आया, इमीडिएटली खौफजदा हो गए। रात रात आसफ जरदारी साहब से रब्ता कायम किया गया है जी, किसी एक मजिद शख्स को भेजा गया कि भाई उनको फौरन बनाए वरना शेख रशीद आ जाएगा। और पैचअप नहीं है अपोजिशन में, इसीलिए हमने मजबूरन, क्योंकि MQM तरीके इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, ये इकट्ठी नहीं हो रही किसी एक नुक्ते पे, और उसके लिए हमने एक हकीकी अपोजिशन का ग्रुप बनाया। उसमें हम चार हो गए, इंशाल्लाह हम नौ हो जाएंगे एंड करीब इसी हफ्ते 10 दिन में फिर हम कोशिश करेंगे कि सब लोग। ये तो आपने हकीकी अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की है। एक वो अपोजिशन है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो जो सड़कों पर एहतजाज करेगी, वो ताहिरुल कादरी साहब हैं, आपकी अपनी जमात इमरान खान साहब हैं, तो उधर कोई आप एका करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताहिरुल कादरी इमरान खान मिल जाए, कुछ हो सके? मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जी हम सारे तीनों इकट्ठे करें एक ही तारीख। मैं 22 को भी जा रहा हूँ और 29 को भी शायद जाऊं। अच्छा, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब ने कनाडा से भी दावत दी और हक नवाज गंडापुर भी आए थे, सब लोग आए। मेरी तो ख्वाहिश है कि दोनों इकट्ठे हो जाएं यार, अगर आप, और हो सकता है कि इस दफा इकट्ठे हों। मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, लेकिन इमरान खान साहब सारी पोजीशन को समझते हैं, वो अब उनको एहसास है कि भाई हमने इकट्ठे चलना है। लेकिन 22 के जलसे में और जमात इस्लामी और हम तो मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग, अगर ताहिरुल कादरी साहब भी आ जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है कि वो आ रहे हैं वो नहीं। लेकिन शेख साहब, क्या ये बात सही है कि आप लोग री इलेक्शन चाहते हैं इस वक्त? आपका जो ये ग्रुप है इस वक्त जिसमें इमरान खान साहब हैं, हम चाहते हैं अगर ये कामयाब हो जाएं, अगर ये इस मुल्क को चला लें, अगर इनमें इतनी सलाहियत है, अगर इतनी क्रेडिबिलिटी है कि इस मुल्क को बुरान से निकाल सकें तो कर लें, अगर नहीं है तो ये छोड़ दें। एक और कौमी इलेक्शन ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है, और वो किस तरह होगा? मतलब कोई आईनी रास्ता निकल सकता है कि ये हुकूमत घर जाए और फिर दोबारा इलेक्शन हो? क्या आईनी रास्ता होगा इसका? देखिए दुनिया में, जापान में तो हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, क्या वहां आईनी हल्का नहीं निकलता? देखिये इलेक्शन कब हो ये तो हुकूमत की सवाबदीत पे भी है ना। अगर वो 5 साल तक रिंग रिंग के इसी तरह झाड़ू, देखे ना, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, ये और खत्म हो जाएगी इस बल्दियाती इलेक्शन में। अच्छा, इस इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन में मैं ये चीखता रहा कि जब अंगूठा पंजाब में आएगा अंगूठा काट दिया जाएगा, ये मेरा फेवरेट जुमला है जो कि सारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी गूंजा ये जुमला, कि शेख रशीद ये कह रहा है, हिंदुस्तान के चैनल्स ने इसको कहा कि जब अंगूठों का ट्रायल, अंगूठों की टेस्टिंग पंजाब में आई तो ये अंगूठे काट दिए जाएंगे जैसे ढाका में काट दिए गए थे काटन बुनने वाले ने। सो अब ये बल्दियाती होगा, यकीनन इसमें भी उससे बड़ी धांधली होगी।
इस मुल्क में ये कहना, देखे ना ये ऐसा ही टेन्योर हो गया, देखे ना पहले बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, राइट, इंडिया में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक अवाम की आवाज ने इंडिया में झाड़ू फेरा है, और यहां भी अब अवाम को मुझे यकीन है कि एक नवाज शरीफ की एक क्यादत की जो चॉइस थी, लोगों का ख्याल था कि मसाइल हल हो जाएंगे, सादा लोग हैं जो कहते हैं, जो लीडर कहता है उस पर यकीन ले आते हैं, ऑप्शन नहीं है कोई। अच्छा एक और बात जो ये कहते थे, वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब कहते थे घसीटूंगा इस पर, फिर वो कहते थे करप्शन पकड़ेंगे, लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे। अब नैब जो है वो गिलानी साहब को, साबिक वजीर आजम जिनके बारे में बड़े कुछ कहते भी थे जी कि उनके तो कंप्यूटराइज चोर पैदा हो गए हैं, और फिर राजा परवेश साहब के ऊपर भी फर्दे जो मायद करने की बातें, रेंटल पावर केस है, दीगर केसेस हैं, आपको लगता है ये जो हकीकी मायनों में एहतसाब होगा, लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, या फिर ये सिर्फ सिर्फ जो है वो शोधेबाजी है, बस दिखाया जा रहा है कि होगा कुछ और नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब मिले हुए हैं, दोनों रास्ते में है। देखें इन आसफ जरदारी ग्रुप को भी एक, ये खुद गैंग ऑफ सेवन है, सात खानदान, इनके पीछे सात सनतकार हैं, इन सब की फिर 30 बेटे हैं। अब मंशा सामने नहीं आएगा, किसी टॉक शो में तो नहीं आएगा ना, लेकिन इंडिया जाएगा तो वो साथ होगा, चीन जाएगा तो उसी जहाज में होगा, टर्की जाएगा तो उसी जहाज में होगा, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश, और बेसिकली ये बिजनेसमैन है, मैं समझता हूं ये बिजनेसमैन बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो है ये करप्शन की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो सियासत, देखें पीपल्स पार्टी जो है ना वो कैश ग्रुप है, फौरन ही बस दे दो जी ठीक है, ये फ्रिज में लगा के खाते हैं, 480 अरब रुपए इन्होंने पेमेंट किए गर्दशी कर्जे की, इसी को किए सैन दाऊद और मंशा, और पीपल्स पार्टी वाले अब मुझे वजीर कहते हैं खुदा की कसम ये हमें 15% देते थे, ये हमें 15% देते थे, मैंने कहा तुम 25% मांग रहे थे, तो फिर चुप हो जाते। अब फिर 100-200 का अरब का गर्दशी कर्जा होगा, नोट छाप छाप के हमारी गर्दन ले रहे हैं, इनको क्या, इनके डॉलर तो बढ़ रहे हैं, ये कल उन्होंने कहा जी मैं डॉलर 98 रुपए पे ले आऊंगा, ये मुंह और मैसूर की दाल, ये डॉलर बढ़ाया किसने, ये डॉलर बढ़ाया किसने है, इनकी नाहलियों ने बढ़ाया, इनकी नाहलियों ने नोट छाप छाप के, और मैं क्या अर्ज करूं, बहुत ज्यादा बात सख्त हो जाएगी, ये इसहाक डार साहब पीपल्स पार्टी की जड़ों में भी बैठ गए थे पिछले दौर में, नवाज शरीफ, अब भी ये नवाज शरीफ की हुकूमत की जड़ों में बैठ गए, अब भी ये बैठ गए, इनसे मुल्क चल ही नहीं रहा। अच्छा ये जो मैं मईशत पे आप बोल रहे हैं, इस पर बात बिल्कुल सही है, कराची के मैं क्योंकि खुद कराची से इस पर आया, बड़ा वहां पे लोग आप खुद जाते हैं आपको भी पजीराई मिलती है, उम्मीदें लगा के लोग बैठ गए थे कि ये आए हैं ऑपरेशन होगा शायद कुछ हो जाएगा, पता नहीं कितने हजार गिरफ्तारियां हो गई, कई लोग जो इस पर थे उन्होंने कहा जी ऑपरेशन के अंदर मारे जा रहे हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं, सर फर्क कुछ नहीं पड़ा, टारगेट किलिंग भी जारी है, ये कैसा ऑपरेशन था, मतलब कराची की आवाम को आपको लगता है कुछ सुकून मिलेगा आइंदा कुछ अरसे में, या यही मामला ऐसा चलता रहेगा? अभी मैं कराची से ही आ रहा हूं, और मैं तो छोटे लोगों से पूछता हूं ना, मैं बड़े लोगों से नहीं पूछता, वो कह रहे हैं कि आगे से फर्क है, हालात बेहतर है। अच्छा कराची में पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि ये एकदम नहीं खत्म हो सकती, और ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब से दिल से सियासी पार्टियां ऑन बोर्ड ना हो, अगर ये ऑपरेशन को नाकाम कर रही हूं खामोशी से अंदर बैठी हुई, अगर सियासी पार्टियों के जो हेड हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के अहम जगहों पे बैठकर उसको काउंटर कर रहे हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या होना है क्या नहीं होना, कितना भी राज छुपाया जाए सिविल गवर्नमेंट में बात नहीं छुप सकती, और सिविल गवर्नमेंट भी सिंध में दोनों मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है और गवर्नर MQM भी मौजूद है, और नून भी मरकज में मौजूद है, लेकिन ना नून तो विड्रॉ करके सारी सियासत कर रही है जी पंजाब में, उसने नई हिकमत अली अमनी बनाई है कि सारा कुछ पंजाब में लगा दो, यहीं इतने मेंबर हैं, और ये मुल्क को एक बहुत बड़े बहरान से दोचार कर देगी कि छोटे सूबे महसूस करेंगे कि एक बड़ी पार्टी सिर्फ एक पंजाब की पार्टी है और उसका कोई लेन देन नहीं है दूसरे सूबों में, सो ये सूरत हाल को इतनी आप कह सकते हैं खुशाइंद नहीं है। और कराची की बात तो अल्ताफ हुसैन साहब का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है शेख रशीद साहब को? लोग तो बहुत अरसे से बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा था नहीं कोई भी फैसला वक्त लेगा, और कल की जो अल्ताफ भाई ने तकरीर किया उससे जरा मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है, मेरी जान की दुश्मन है ब्रिटिश पुलिस,
काफी अजीब अजीब उन्होंने बातें की हैं। इसका मतलब है कि शायद कोई खतरात मंडला रहे हैं। अगर ऐसी बात हुई तो यकीनन उसका नजला तो कराची में गिरेगा। अभी एमक्यूएम को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो गलती पे हैं। एमक्यूएम कराची की एक फोर्स है और इस फोर्स को कोई शख्स अंडर एस्टिमेट ना करें, कोई अदारा भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, ये सिविल वॉर हो जाएगी इस मुल्क में अगर कराची में इन्होंने अकल से सारे मामला ना किए और एमक्यूएम को ऑन बोर्ड रखे हैं और मसले नहीं। लेकिन ये कर तो बरतानी पुलिस रही है ना इस पर सर, कर तो हुई गई है लेकिन अल्टीमेटली बरतानिया में तो उनका कुछ नहीं है ना, एक दफ्तर होगा या पैसे होंगे या खुद होंगे। नजला कराची में गिरेगा, नजला कराची में गिरेगा, उनकी सियासत कराची में है। ये ट्रेंड भी एमक्यूएम ने दिया। अब पीपल्स पार्टी दुबई से ऑपरेट कर रही है, अब कोई और पार्टियां भी दुबई से ऑपरेट कर रही हैं, वो लंदन से ऑपरेट कर रहे हैं। सो इस मुल्क में अजीब आलम है। पाकिस्तान में ये सियासतदान इतने मुतनाज़े हैं कि पाकिस्तान में आ नहीं सकते। क्या आसफ जरदारी हुए, क्या दूसरे साहब हुए, जो हुक्मरान है वो खंदकों से बाहर नहीं निकलते, वो बयान इंडिया में जाके देते हैं कि जी आगे हम। और ये अमेरिकन एजेंडा है। अमेरिकन ने शरीफ साहब को कहा है कि आप इंडिया से तल्लकात जो हैं मसलों को पसे पुश्त रख दें, फ्रिज में लगा दें अभी, और इंडिया से रिलेशन बेहतर करें। रिलेशन इसमें क्या बुरा था कि कबड्डी के वर्ल्ड कप में वो गए फाइनल के अंदर, वहां से उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की शहबाज शरीफ साहब ने, तो इंडिया के वजीर आजम से मुलाकात की, गलत क्या है इसमें? मतलब क्या चीज है जो आपको गलत लगी? ये सारी खेलों के पीछे भी देखें ना, पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, इनका साइज कबड्डी वाला है तो इन्होंने कबड्डी खेलनी थी, है जी, और वो भी जाके वेमन को भी कबड्डी खिलवानी थी वहां पे। तो मुझे तो अब क्या करूं जी, मेरा देखे ना एक एक पॉश और एक स्टैंडर्ड बना था कि भाई इन्होंने उस स्टैंडर्ड को भी कमजोर कर दिया। तो कोडी 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 ये खेलेंगे जाके, ये कोई तरीका है भाई? बड़े वाजे सूरत हाल है कि लाहौर के हरबंसपुरा से इंडियन रॉ ने दुबई में पेमेंट करके खालिद बशीर को कत्ल किया गुजरांवाला की नहर पे, और उसके टुकड़े करके नहरों में बहा रहे हैं। वो और लोगों को मारना चाहते हैं, उन्होंने सलाहुद्दीन को मारने की खुदकुशी से कोशिश की है। इंडिया पेनिट्रेट कर चुका है टोटल। जब तक दोनों मुल्क की एजेंसियां ऑन बोर्ड नहीं होंगी और मसले हल नहीं होंगे, ये सियासतदान वैसे ही बां बां करता रहेगा। इनकी सारी कोशिशें खू खाते में जाएंगी, खू खाते में इन्हें वे जाएंगी, क्योंकि इंडिया कोई मौका तो छोड़ नहीं रहा हमें। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं सरहदें तो नहीं बदल सकता, जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की उन्होंने, यानी उनकी सोच देखें वो कैसी बातें करता है। कोई एक जेन्युइन जेन्युइन और सलाहितों वाला प्राइम मिनिस्टर होता फिर उसको ऐसा जवाब देता। सिर्फ कोशिशें इस पर जाएंगी रायगा, या फिर हुकूमत भी जा सकती है मियां साहब की इन कोशिशों में, इस मोहब्बत में इंडिया से? क्योंकि आपको लगता है फौज ऑन बोर्ड है इस मसले पे, जिस तरह वो जाके कबड्डी के मैच करवा रहे हैं वहां पे? मुझे नहीं मालूम, अगर वो दिल से हो तो फौज को क्या एतराज है जी। जब देखें ऐसी गैर मकबूल हुकूमत के साथ फौज खड़ी हुई है, जिनके बारे में हर रोज एक नया फसाना था, जो पिछले पांच साल थे, पिछले पांच साल थे, ये बिलालगंज से उन्होंने ला के वो जनरेटर ला दिए, बिजली वाले क्या कहते हैं उसे, रेंटल पावर ला दी उन्होंने थके हुए। और फिर इसी तरह उन्होंने, आप देखें मेमोगेट का स्कैंडल कितना बड़ा स्कैंडल था, फिर ये देखें एफिड्रीन केस कितना बड़ा केस था, फिर ये आप देखें मैन आईसीएल, कोई महकमा देखें, हज देखें, जिन्होंने उम्रे और हज को नहीं बख्शा तो वो कौम को कैसे बख्श सकते थे? नहीं, लेकिन वो इंडिया से तो नहीं इतने कदम बढ़ाए थे ना, ये तो कहते हैं हल्फ लूंगा तो इंडिया के। कोशिश उन्होंने शुरू में की, वो स्ट्रीट स्मार्ट आसफ जरदारी, वो जल्दी पीछे हो गया। ये बिजनेसमैन है, इनका एजेंडा ये है कि लाहौर अमृतसर की, ये तो अभी से मनसूबाबंदी बिजनेसमैन कर रहे होंगे ना, अगर लाहौर का माल अमृतसर में जाए, अमृतसर से ट्रेडर ये सोचता होगा कि हमें एक दो इंडिया की एजेंसियां मिल जाए, बिरला टाटा हमारे साथ आ जाए। ये नोट छापने के लोग हैं, ये मुल्क के लिए को, आम आदमी को, गरीब के बेटे को तरक्की देने वाली सोच नहीं है इनकी। अच्छा, अदलिया के किरदार पे शेख साहब आप बोलते थे काफी, आप कहते थे अदलिया आए कुछ करे सीरियसनेस ऑफ पाकिस्तान, आप कहते थे जी कुछ करें आके, कुछ फैसला कुन ऐसे नतीजा खेज फैसले लें। इस वक्त ये स्विस केसेस थे, खत लिखने की बात थी, $60 मिलियन या वल्लाह आलम $70 मिलियन $80 मिलियन अदलिया ने सुने, कार्रवाई करी। आज इफ्तिखार चौधरी साहब के अहद को, उनके दौर को हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, हासिल क्या हुआ उनके फैसलों से? वो $60 मिलियन किधर गए? वो जो उन्होंने फैसले किए उसका नतीजा क्या निकला? देखें, जब वो कुर्सी पे था सारी उसकी शान में कसीदे कह रहे थे, और हालांकि उसके बेटे का केस इतना
मैं समझता हूं डैमेजिंग केस था। एक जज को उसी वक्त नाखलफ औलाद भी तो हो सकती है ना जी, एक बेटे के जुर्म को बाप के जुर्म से नथी नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना उसका अगर वो 5-10 साल या बेटे को सजा दिलवा देता, इंसाफ करवा देता, या खुद कहता भाई मेरा बेटा जो है कौम ने उसके बेटे के मुजरम को मुजरम की सूरत में देखा है। सेकेंडली इसमें भी कोई शक नहीं कि आज आप मुशर्रफ को ट्रायल करने जा रहे हैं, कल जब मार्शल लगा तो कानूनी हैसियत आपने दी, 3 साल आपने दी, और आजकल आप जमहूरियत के इतने बड़े चैंपियन बने हैं कि मार्शल्ला को आईनी शेल्टर देने में जितना चौधरी इफ्तिखार का हाथ है किसी का हाथ नहीं था। और अगर हम छोटी मोटी बात करते थे तो फट सारे चैनलों पर कह दिया जी ये कहा शेख रशीद ने। देखिये उसने अच्छा काम भी किया है, उसने कितने 100 अरब रुपया वसूल किया है, इनको नकेल डाल के रखी है, 2 प्राइम मिनिस्टरों को घर भेजा उसने, उसने अरबों रुपए की वसूली भी की है, लेकिन उसका बैकफायर भी है। और बैकफायर यह है कि उसके किसी केस का कोई नतीजा भी नहीं निकला, अच्छा अरसलान इफ्तिखार का जो मामला है आप क्या समझते हैं, उस वक्त मुस्ताफी हो जाते इफ्तिखार चौधरी साहब, या फिर उस मामले को किस तरह से डील करते ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे होते और ट्रायल करते जी, ट्रायल करते और वो अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं, और लोगों ने उसी दिन से उनका मनफी प्रोपोगंडा शुरू हो गया जिस दिन अरसलान इफ्तिखार को उन्होंने छूट दी, और पहले खुद 100 मोटिव लिया, फिर उस कोर्ट पे खुद बैठ गए, फिर हट गए, फिर उसको खुडे लाइन, 2 बंदों की जाती लड़ाई करके उसको खुडे लाइन कर दी। अगर अब इस केस में जब चक शहजाद में मुशर्रफ साहब इस पर नजरबंद है, उनको जो सब जेल करार दिया हुआ है, और गिलानी साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कहते हैं जी कि मैं देखता हूं मुझे कौन गिरफ्तार करता है, सुल्तान नहीं बनके कहते हैं किसमें थप्पड़ आके मुझे गिरफ्तार करे, गिलानी गिरफ्तार हो जाते हैं जेल जाते हैं, और मुशर्रफ साहब अगर जो है जो साबिक आर्मी चीफ है उनके फार्म हाउस को जेल बना दिया जाता है, तो आप नहीं समझते ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा जी कि आर्मी चीफ जो साबिक है उसके तो फार्म हाउस को आपने जेल बना दिया, और वजीर आजम जिसको आपने घर भेजा उसको आप जेल भेज रहे हैं, ये सवाल उठेगा? हमारी सोचे महदूद है ना, अगर जो अगर कमाया यूसुफ रजा गिलानी ने देखे ना, अब उसके बेटे का 1 बिलियन रुपीज वो मांग रहे हैं। कल मुझे कोई जहाज में कह रहा था बड़ा जिम्मेदार आदमी कि उन्होंने 1 अरब रुपया मांगा है। और जनरल मुशर्रफ पे करप्शन का केस नहीं है, गद्दारी का केस है आर्टिकल 6 का। ये आर्टिकल 6 का केस बड़ा ना, ये सारे आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी से फायदा उठाने वाले हुक्मरान है इस वक्त इस मुल्क की सियासत में, सारे वो सियासतदान हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे आर्टिकल 6 की किसी ना किसी फर्द के साथ खिलाफवर्जी की। वो नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी हो, सब लोग वन टू ऑल, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, खुद अरसलान, खुद चौधरी इफ्तिखार इसमें मुलव्वस, खुद चौधरी इफ्तिखार आर्टिकल 6 में आते हैं, जो आज उन्होंने फैसले दिए अगर पुरानी डेटों पर लागू हो, जो उन्होंने फैसले दिए जब उनके खिलाफ रेफरेंस जा रहे थे, जो उन्होंने जजेस के खिलाफ फैसले दिए, वो खुद भी उसके धरने में आते हैं। लेकिन वक्त है, मैं नहीं समझता कि आप 6 नवंबर का केस ट्रायल करें और 12 नवंबर को ना ट्रायल, 3 नवंबर को करें और 12 नवंबर को ना, 12 अक्टूबर को ना ट्रायल करें, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी अदालत और कानून, देखे ना उनकी भी टीम होगी, इनकी भी टीम, और आपने अकेला कर दिया मुशर्रफ को, अकेला मुशर्रफ तो बादाम नहीं तोड़ सकता, वो असेंबली कैसे तोड़ सकता था। अकेला मुशर्रफ तो गंगू तेली को हथकड़ी नहीं लगा सकता था, वो नवाज शरीफ को कैसे हथकड़ी लगा सकता था, उसके पास कोई उसका ताकत का सरचश्मा कोई अवाम तो नहीं थे, उसकी ताकत का सरचश्मा फौज थी, उसकी ताकत का सरचश्मा जो थे कोर कमांडर्स थे, गवर्नर थे, और आज भी कई गवर्नर वो मौजूद हैं, वो कैबिनेट थी, इन सबका ट्रायल होना चाहिए, अगर मैं आता हूं मेरा भी होना चाहिए भैया, हकीकत तस्लीम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-2, 4-4 साल एक एक के जुम्मे आ जाए, आगे से नसीहत हो जाए। ये आर्टिकल 6 का ट्रायल किसी आने वाले मार्शल्ला के खौफ को खत्म करने के लिए और उसकी मनसूबाबंदी को कि मिस्त्री और शारबाश, अगर किसी ने देखे ना, 2 आर्मी के चीफ आप ट्रायल करने जा रहे हैं, आर्मी ने कुछ चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, हाँ अगर वो करप्शन में मुलव्वस होते, नहीं जमहूरी जनरल आ गए ना सर, अभी तो जमहूरी जनरल है, देखें वो सत्तू वाले थे अब सिगार वाले आ गए दोनों शुरू ऐसे ही होते हैं,
लेकिन ये जो सिगार नहीं शुरू होता, बहरहाल सिगार सी से आता है, लेकिन लेकिन ये जो इस वक्त ये जो बात है, ये लोग कहते हैं एनआरओ केस को तो आप खोल के बैठ गए फिराज चौधरी साहब, असगर खान केस नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचा? एक वजीर आजम को तो आपने फारिग कर दिया, क्या क्या ये अब पहुंच सकेगा? ये नए चीफ जस्टिस के आने के बाद ये हो सकेगा कि असगर खान केस भी अपने नतीजे? मैं समझता हूँ जिस तरह नए चीफ जस्टिस साहब चल रहे हैं लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, वो बहुत ज्यादा ओवर डूइंग कर रहे थे। चौधरी इफ्तखार साहब ने कंपनी की मशहूरी पे बहुत जोर दिया हुआ था, और देखे ना साफियों तक को आपस में जाते जाते भी इन्होंने लड़ा दिया, जाते जाते भी एंकर हजरात एक दूसरे से ना खुश थे और खफा थे, और फैसले 15 दिन बाद आते थे, टिकर जो है वो 15 दिन पहले आ जाते थे। ये पहला जज था जिसके फैसले टीवी चैनल पे पहले आते थे और लिखे बाद में जाते थे, सो विच इज नो गुड। लेकिन असगर खान केस का मुस्तकबिल आपको लगता है होगा? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी आते हैं उस पर राय में, तो फिर बहुत से लोग आते हैं, कुछ होगा इस पे? कुछ भी नहीं होगा जी, कुछ हुदैबिया पेपर मिल केस, हुदैबिया पेपर मिल, इत्तफाक फाउंडेशन, कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों ने क्या होना है? आज तक कुछ हुआ है? आज तक मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ कुछ हुआ है? देखिये अब एक ऐसा दौर है क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग मुश्किल हो रही है, सो इसी तरह से ये व्हाइट मनी कर रहे हैं। बैंक इनके पीछे है मंशा का, वो बहुत बड़ा सोर्स है रुपीस को डॉलर में तकसीम चेंज करने का। कुछ नहीं, गरीब आदमी को तो बस इसी चीजों के पीछे लगा दिया है। अच्छा, ये सब ये बात बताएगा एस्टेब्लिशमेंट को चूना लगाने वाले। ये जो बात इस पर है, खुर्रम दस्तगीर साहब जो अब नहीं है इस पर वजीर प्राइवेटाइजेशन के, उन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी नवंबर में, उन्होंने कहा कि ये जो 500 अरब रुपए बचेंगे इन इदारों को बेच के, उसे हम 250 अस्पताल बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो 250 अस्पताल गरीबों को इलाज मुआवजा कर सकते हैं। तो ये 500 अरब रुपए का खसारा इन इदारों में फूकने से अच्छा है कि हम 250 अस्पताल बना के गरीबों की खिदमत करें। अब वो 500 अरब आपने दिए हैं पहले, गश्ती कर्जा जो है, गर्दिशी कर्जा जो है, बिजली किसी ने उसको ऑडिट किया? यही थे ना मंशा और हसैन दाऊद और ये सारे लोग, ए टू जेड नथू सिंह एंड फतू सिंह, डकैत, फाइनेंशियल डकैत, ये माशी डाकू जो है ना, ये जो हमारे माशी डाकू हैं जिन्होंने हमें इकोनॉमिकल एनिमल समझ लिया है कि हम गधे हैं, माशी गधे हैं, हमें कुछ समझ नहीं है, जिस तरह मर्जी आंखों हम आंकते चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने भी ये अंदाजा कर लिया है कि बस ठीक है, हुकूमत करनी है करते रहो, देखी जाओ कुछ होगा तो देखी जाएगी, क्योंकि इनको पता है अवाम तो हमें निकाल नहीं सकती, फौज को इन्होंने इस जगह पहुंचा दिया कि वो ऐसी सोच नहीं रख सकती, लेकिन इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि शायद पहले फौज के निकालने इसके बाद भी लोगों की हमदर्दियां इनके इनके साथ थी, अब अगर निकले तो शायद अल्लाह की, मैं बात नहीं जानता, अगर मुकद्दर में कुछ हो तब लोगों की भी हमदर्दियां। 6 महीने में इन्होंने लोगों को जो कुछ दे दिया है वो इनकी करम करा, सियासी करम करा करने के लिए काफी। लेकिन ये जो बात है इस पर एक तजिया पेश किया जाता है, आप इससे एग्री करते हैं कि अब मियां साहब जो है 12 दिसंबर के बाद बिलखसूस पुरसकून होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा चुके हैं जो रोज नोटिस दे देते थे सुबह उठ के हुकूमत को। अच्छा, नए आर्मी चीफ आ चुके हैं जो उन्होंने अपनी पसंद से चुने हैं, 3 की लिस्ट थी, उन्होंने अपने पसंद से चुने हैं नए आर्मी चीफ, तो ये सूरत हाल उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है बनिस्बत उसके जो कुछ महीने पहले थी? मैं कुछ महीने पहले ये कह चुका हूँ, 1 जनवरी 2014 से 30 दिसंबर 2014 नवाज शरीफ साहब का ट्रायल है, जियाउल्लाह को भी भुट्टो ने खुद ही चुना था, बाद में उसने नवाज शरीफ को चुना, इनकी चुनने का आपको पता नहीं होता, ए स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो जब गर्दिशी काम शुरू होता है, जब दिन उल्टे होते हैं, कभी के दिन भारी होते हैं और कभी की रातें भारी होती हैं, ये कहना कि राहेल जो है शरीफ वो इन्होंने चुना है, मैं नहीं समझता वो अदारों के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और अगर फौज, पहले मेरी बात को समझा जाए, फौज कमिटेड है जमहूरियत के साथ भी, वो जरदारी जैसी जमहूरियत के साथ खड़ी थी, वो इस मुंतखब हुकूमत के साथ भी खड़ी है, लेकिन अगर मुल्क पर कोई ऐसा वक्त आया कि फौज को जमहूरियत और मुल्क में से सपोर्ट में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मुल्क का इंतखाब करेंगे। अच्छा, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये लोग चले, ये मुल्क जमहूरियत के नीचे लंगड़ी लूली चोर बेईमान ये मंशा टाइप की जमहूरियत जो है हजबे मंशा चले है जी, लेकिन अगर वो समझने लगे कि जमहूरियत की लुटिया डूबो डूब रही है, उसको बचाने की कोशिश होगी, लेकिन अगर वो डूब ही रही है तो वो मुल्क को तो जरूर बचाएंगे ना। जमहूरियत
मुल्क के लिए, मुल्क जमहूरियत के लिए नहीं, नहीं। ये मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल है, आपने कहा सब आएंगे लपेटे में, मुशर्रफ साहब अगर अकेले ही आते हैं, सिलेक्टिव जस्टिस होती है, वो जस्टिस के तकाजे पूरे नहीं होते सर, और असलम बेग साहब पे भी कुछ होता है कार्रवाई अजहर खान के। मैं तो सदर मुशर्रफ को, फौज का कोई रिएक्शन, मैं तो साबक सदर मुशर्रफ को बाहर जाता देख रहा हूँ, मुल्क से बाहर जाता हुआ देख रहा हूँ मैं। मेरी सियासी सोच ये कहती है, और सियासी ना मेरी मुलाकात है ना मेरा कोई उनसे मसला है, लेकिन मेरी सियासी सोच ये कहती है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, अदालत जमानत ले ले, कुछ हो जाए, बाकी केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है, क्या हो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये वो मुल्क से बाहर तो जाएंगे, मुल्क से बाहर तो अल्ताफ हुसैन साहब भी हैं लेकिन सियासत करते हैं वो, इसी तरह से जरदारी साहब भी दुबई में बैठे हुए, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा मुशर्रफ साहब का, वो कुछ यहाँ पे मुतहरिक होंगे सियासी तौर पर, या वो एक बिहाइंड द डोर्स जाके फारग वक्त की सियासत जो है, सियासत बड़ा टाइम मांगती है, इख्तदार की मकबूलियत और होती है, अवाम की मकबूलियत और होती है, गो हमारे पास एक ही सीट है अवामी मुस्लिम लीग की, अगर आप पाकिस्तान की किसी झोंपड़ी से भी जाके कहें वो कहेगा कलम दुआत शेख रशीद का निशान है। बिल्कुल, बेशक हम 100 सीटों पे लड़े, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, पर लोगों के दिलों पे हुक्मरानी जो है वो अवामी मुस्लिम लीग की होगी, और सारी दुनिया ने पसंद किया कि हमने तरीके इंसाफ के साथ इताअत किया है, जिधर हम जाते हैं और कहते हैं जी आपने ठीक फैसला किया, आप चोरों के साथ नहीं गए, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम 22 तारीख को एक बड़े जुलूस के साथ शरीक होंगे 22 के जलसे में। मुशर्रफ साहब सियासी तौर पे, मैं तो उनको मशवरा बार बार यही देता हूँ, रेस्ट करें जी, रेस्ट करें, छोड़ें, बाहर जाएं, काफी हो गया है ये हुकूमत। देखें ना, इस मुल्क में फिजिशियन, मजिशियन, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और जर्नैल, जब तक ये मरे नहीं रिटायर नहीं होता। सो मैं किसी के मरने की ख्वाहिश तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ऐसी खारिश की बीमारी है ये सात लोगों को, कि जब भी कोई ढोल बजता है इलेक्शन का, इनको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब से आपकी दोस्ती की जो, या फिर जो नजदीकी की आप जो वजह है, जब इलेक्शन में था आप लोग, आपने इस सीट पे उन्होंने आपको मतलब जम हुए, आप लोगों ने मतलब इलेक्शन मिलकर लड़ा इधर, अब क्या ये जो वजह, ये दोस्ती परवान चढ़ रही है आपकी माशाल्लाह से इमरान खान साहब के साथ, ये नजरियात का इस पर मिलाप है या फिर ये कोई और वजह है, कोई एक एजेंडा है जिसको आप दोनों फॉलो कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए मैं तो इमरान खान को स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी समझता हूं और वंडरफुल आदमी समझता हूं, कि उसमें चलाकियां नहीं है, सियासतदानों वाली चलाकियां नहीं है, शायद इसीलिए बाज का तो नुकसान भी उठा जाता है, लेकिन चलाक आदमी कब तक कामयाब होता है, वो एक तब्दीली का ख्वाहिशमंद है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग कामयाब हों या नाकाम हो, हमारी ख्वाहिश जरूर है कि हम लोगों के जज्बात के पैमाने पर पूरे उतरें, और जब सारे लोग अमेरिका के साथ लेटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा वाजे कहा कि भाई हम अमेरिका से तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स बंद हों, और मेरे नजदीक ये ड्रोन बंद होने जा रहे हैं, कम तो हो ही जाएंगे लेकिन बंद भी होने जा रहे हैं। मैं ये कल भी हुआ है सर, खैबर एजेंसी कश्ती के ऊपर मारा उन्होंने ड्रोन, खैबर एजेंसी में नहीं हुआ, कल अफगानिस्तान के एरिया में हुआ, जो दरिया काबुल के अंदर जो कश्ती पे मारा उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से, वो ऐसी जगह है कि वो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे हुआ है, लेकिन कम हुए हैं, कम हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे, और गो के आज फोटोएं लगी हैं कि चमन से कानवाई जा रही है, अब सारे मुल्क पे कराची से लेके पेशावर तक तो वो नहीं धरना दे सकते ना, जहां उनकी हुकूमत है वहां दिया है, जहां दूसरों की हुकूमत है दूसरे लोग दें। क्या इमरान खान साहब ऐसे बंद दरवाजे में आ चुके हैं जो उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ही खत्म हो जाएगी, या आपको लगता है कि वो उनकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? मैं नहीं समझता खत्म हो जाएगी, मैं नहीं समझता, आम देखो ना मीडिया शीडिया में उनकी मीडिया परफॉर्मेंस काफी जरा ऐसी नहीं है, सुबह सरहद केपीके में मेरा ख्याल है केपीके की गवर्नमेंट को अपनी मीडिया परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, आजकल सारी जंग मीडिया में है, परवेज खटक साहब हमारे जाती दोस्तों में से इंटरव्यू तो देते हैं वो भी, आके इंटरव्यू तो दे रहे हैं वो भी, कौन परवेज खटक साहब इंटरव्यू देते हैं जी, मैंने कल भी दे रहे थे वो चैनल पे, लेकिन उनकी मीडिया टीम को ठीक होना चाहिए, मुझे कई लोग अस्पतालों में मिले हैं, उन्होंने कहा जी आगे से अस्पताल और एजुकेशन, डॉक्टरों ने जो स्ट्राइक की हुई है वहां पे, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की हुई है, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे, अब मेरा मतलब है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हॉस्पिटल्स के बारे में लोगों ने कहा जी कि आगे से बेहतरी है केपीके के, लेकिन इंडिया की जो आप बात कर रहे थे शेख साहब, ये जो आप कहते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब ने भी इंडिया में जाके क्या करा, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स वो जो गए थे कॉन्फ्रेंस में, वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट की बात करके आ गए, तो वो भी तो वही स्ट्रेटेजी है जो शायद मियां साहब फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क तो नहीं है, आप उस पर साथ हैं? मैंने नहीं, मुझे किसी ने पूछा है सवाल, मैंने इमरान खान को पूछा नहीं कि ये क्या है, मैंने पढ़ा भी नहीं किसी अखबार में, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, मैं अखबार पढ़ता हूँ गाये बगाये,
लेकिन ये मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने क्या कहा है। मतलब इंडिया से दोस्ती हो या नहीं हो आप शेख रशीद साहब का, लेकिन दोस्ती हो मसाइल के हल के साथ और मुकाबले पे हो, किसी की बालादस्ती में ना हो, हमें अकीर और फकीर समझ के दोस्ती ना हो। हमारा वजूद हिंदुस्तान के वजूद की जमानत है। जिस दिन पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचा 22 पाकिस्तान हिंदुस्तान में बन जाएंगे। आज भी देख लें, आज भी बांग्लादेश में देख लें कि पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान को लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। वो बल्कि जो लोग हैं आप उनसे अंदर से जाके खुर्चें, वो कहते हैं कि हम इस्तेमाल हो गए। आज पाकिस्तान को हम इंश्योरेंस हैं हिंदुस्तान की। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हिंदुस्तान को उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, ये उसके ज़हन में होना चाहिए। ये नई हुकूमत आने और हमारा क्याम जो है उनकी सलामती की जमानत है, हमारा इस्तेकाम उनके इस्तेकाम की जमानत है। एक ब्रेक लेता हूँ शेख साहब, उसके बाद आखिरी सेगमेंट एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज पर देखते रहे। वेलकम बैक शेख साहब। ये जो इंडिया से आप बात कर रहे थे दोस्ती हो दुश्मनी हो, आप कहते हैं ताल्लुकात ऐसे हो जो बराबरी के बुनियाद पर, दुश्मनी भी ना हो बराबरी के बुनियाद पर ताल्लुकात हो। अब आपको लगता है मसले कश्मीर पे, क्योंकि जिस तरह से मियां साहब की पॉलिसी रही है प्रो इंडिया, कश्मीर तो हम भूल जाएं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, भूल जाएं बिल्कुल, ज़हन से निकाल दें। देखें फजलुर रहमान साहब मिलकर गए हैं नवाज शरीफ साहब को, जाहिर है उन्होंने डिस्कशन की होगी कश्मीर पे। देखें कश्मीर जो है ना फॉरन ऑफिस के बस का बात है, ना मौलाना फजलुर रहमान के बस की बात है, ना नवाज शरीफ के बस की बात है। ये कश्मीर कश्मीरियों के और कश्मीरी मुजाहिदीन के बस की बात है। सही वॉल्व जो है ना वो उनके हाथ में है, रिमोट जो है ना वो उनके हाथ में है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, उसका कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलता, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी अमेरिकन एजेंडा हो, जितने मर्जी सैटेलाइट से ये टेलीफोन वॉच कर ले हो, जो होना होता है वो होके रहता है। सो कश्मीर का मसला कश्मीर के मुजाहिदीन का और कश्मीरियों का है और कश्मीरी मुजाहिदीन का है। वो जिद्दोजहद आजादी लड़ रहे हैं, वो आपसे ना मदद मांग रहे हैं ना वो आपके मोहताज हैं। शायद किसी जमाने में आपके मोहताज होते हैं, अब वो नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने हर मसले में। सो इसके लिए आप अकल को साम, जब आपने वोटें लेनी हो तो उस वक्त किस किस्म की बातें करते हैं? उस वक्त तो कहते हैं हमें जिन्होंने एटमी धमाका किया, माशी धमाका करेंगे अब माशी, पहले एटमी धमाका किया अब माशी धमाका करेंगे। जी पहले इन्होंने उस एटमी धमाके में भी जो किया वो गौर रहमान साहब की, गौर अयूब साहब की पुरानी तकरीरें निकाल कर इन्हें बताएं, उसने सच बयान दिया कि एटमी धमाका शेख रशीद ने, गौर अयूब ने और राजा जफरुल्लाह ने कराया। ये तो सारे लेटे हुए थे, मुशाहिद हुसैन और सारे लोग और बेगम साहबा झंग वाली जो है, और ये सारे लेटे हुए डरू थे। इन्होंने मौका ही गंवा देना था अगर हम उस कैबिनेट में ना होते। ये तो लेटू थे सारे, हमने डंडा दिया, हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी करो, ये तो बोल ही नहीं कुछ रहे थे। और ये माशी धमाका चार टांगों वाला पटाखा चलाएंगे ठुस करके कि डॉलर जो है निकाल लाओ, नहीं तो ये एटमी धमाका है। नहीं, लेकिन वादे तो खान साहब ने भी किए थे ना, 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, 3 महीने में दहशतगर्दी खत्म करेंगे, वो कहां हुआ वादा पूरे? 90 दिन में करप्शन तो खत्म ही हर वक्त हुआ है। क्या करें, इमरान खान ने अपने 2 कैबिनेट मेंबर को कान से पकड़ के ठुड मार के नहीं निकाला सर, दूसरी पार्टी के थे ना वो भी, तो ये भी तो जहर है। अगर अपनी से किसी की स्टोरी आई तो अपनी से भी निकालेगा वो। एक तो आधा टाइम आप मेरा खान साहब के प्रोग्रामों में लग जाता है। देखो देखो ना, अपनी हुकूमत को उसने खतरे में डाला, कान से पकड़ के पीछे डज करके किक मारी है, गेट आउट, दिस इज द वे। और ये काम जो है देखें, दिस इज द वे कि एक आदमी के शवाहिद मुकम्मल हो तो उसको ठुड मारे पीछे से, चल भाई रास्ता ले। अमरीकी फौज इनखला वहां से कहते हैं जी वेपन्स वापस जाएंगे, और यहां पर नेटो सप्लाई बंद कर देना, क्योंकि आप भी उसमें शामिल हैं, आप एहतजाज में आप कहते हैं जी नेटो सप्लाई बंद हो तो वो जो सप्लाई वहां से वापस आनी है असले की वो रुक जाएगी। क्या ये जो तासर हुकूमत दे रही है कि इससे तो उल्टा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान? कोई नुकसान नहीं हो रहा जी। आगे जब वियतनाम में 2 असले शसले ये बड़े बड़े ट्रक जो है ये पाकिस्तान को मिले, अफगानिस्तान को दे जाएगी ना। अफगानिस्तानी फौज को जो अमेरिका ट्रेन करके जा रहा है उसमें से भागने वालों की तादाद देखिए आप कितनी है। जो अमेरिका ने ट्रेन किए है वो फौज से भागने वाले कितने हैं ये आप देखें। और अल्टीमेटली अमेरिका वहां से जा नहीं रहा, इतनी मगज खपाई उसने की है, इतने ट्रिलियन डॉलर लगाए हैं उसने, वो 15,000 से 20,000 अपनी स्ट्राइकिंग फोर्स वहां रख रहा है, 6-7 अपने बेस रखेगा अमरीका जो है। देखे ना,
करजई जैसा आदमी स्ट्रांग हो गया, करजई जैसा जिसके बारे में ये कहते थे जनाब ये लफाफा आदमी है, ये उनकी जेब की घड़ी है, ये हाथ की छड़ी है अमेरिकन्स की, ये सोता उसकी सिक्योरिटी में है। उसने कहा जॉब भी मैं नहीं करता, दस्तखत करना जो कुछ कर लो, मैं इलेक्शन लेकिन अपने पांव में खड़ा होने की बात है सारी, खड़े होकर सीना तान के उनके सामने। देखे जो आदमी में लीडरशिप, देखो दोस्तम के बाद चलाक तरीन आदमी जो है करजई है, और उसको मेरा ख्याल है मुशर्रफ समझ सका था, ये लोग नहीं समझ सके, ये मनाने गए थे नवाज शरीफ साहब, इनकी तसल्ली हो गई होगी, अब उन्होंने कहा इंडिया मना ले। हर आदमी ये करजई ऐसा बातचीत का माहिर है ना, इसी तरह आसफ जरदारी को उसने गोली बेची हुई थी, इस तरह नवाज शरीफ को गोली बेची हुई है, अगलों ने कहा जाओ ना जी जरा उसको राजी करो अमरीकन ने, ये गए वहां राजी कर देखने के लिए, उसने ठींगा दिखाया, उसने कहा जी अपना अपना काम करें, अब वो इंडियन को भेजा है, ईरानियन ने उसकी सपोर्ट कर दी है। सो इस खित्ते में सियासत जो है अमेरिका के ईरान के साथ तल्लकात के बाद बड़ी ही बड़ा यू टर्न ले चुकी है। वो 30 साल जो ईरानी अमेरिका को बरगे क्या वो नारा मारते है नी? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और वो मुर्दाबाद नहीं, वो फारसी में खास से कहते थे ना, जो बच्चा पैदा ही होता था वो नारा मार के अमरीका के खिलाफ आता था, आज वहां ये सूरत है। इस्लामी इंकलाब के बाद 1980 के बाद से तकरीबन, लेकिन ये जो शेख साहब जो पूरी जो सूरत हाल इस पर बन चुकी है, मैं थोड़ा सा दाखिल मामला पे आखिर में बिल्कुल आना चाहूंगा। मिसिंग पर्सन केस हमारे सामने है, इफ्तिखार चौधरी साहब डेडलाइंस पे डेडलाइंस वो देते रहे, अब थोड़ा सा डेडलाइन और है, नए चीजों पाकिस्तान आ गए, IGFC को तलब करने की बातें हैं, ये सब चीजें आपको क्या नजर आ रहा है, ये कोई क्लैश बनता हुआ नजर आ रहा है अदलिया वर्सेस फौज का? कोई क्लैश नहीं जी, अदलिया और फौज का क्या क्लैश है जी, रोज उसको फौज को जब AGFC को उन्होंने कहा वो हाजिर भी हुआ, एक छोड़ के दो दफा हुआ, अब उधर भी तो उसने काम करना ना, कोई AGFC ने कोई यही तो नहीं आगे अगर रोज आके उसने यहां हाजिरियां देनी है जी, उसको कोई दीना पटवारी तो ना समझ लेना कि रोज लेके आए फर्द का, वो AGFC है उसके उधर थोड़े काम है, जजिस को भी ख्याल करना चाहिए यार, दो दफा हो गया आपको ठीक हो गया, उसको क्या कर देंगे फौज में, उसको क्या कर उसके खिलाफ फर्द जुर्म लगा देंगे। देखें यार कोई समझ, और अगर इस तरह दहशत नहीं पड़ती, इस तरह नहीं पावरफुल आदमी होता कि खुद झोली में अरसलान इफ्तिखार बैठा हो और हम फौज को ललकारें, दिस इज टोटली नॉनसेंस अप्रोच। अरसलान इफ्तिखार का मुस्तकबिल क्या नजर आता है शेख जी साहब को, मतलब कोई इंसाफ होगा क्या होगा इस मौजूदा अदलिया के अंदर, कोई कमीशन? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मलिक रियाज केस, मलिक रियाज साहब उसके खिलाफ जाएंगे अदालत में, अगर जाएंगे तो तुम देंगे मलिक रियाज के केस में जान है। वादे बड़े बड़े और जो हुकूमत में आते हैं तो कुछ नहीं, ये तो संगीन जुर्म नहीं है? आप लिखें कुछ अवाम को, वादे कुछ करें, लोड शेडिंग इतने माह में खत्म, इतने साल में खत्म, होता कुछ और? झूठों का जुमा बाजार लगा है और मेरे ख्याल में हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, और ये साल हमारा या हम तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे या तबाही के गड्ढे में गिर जाएंगे इसी साल 2014 में जो शुरू होने वाला है। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 आप कहते हैं ट्रायल पीरियड इस पर है, या हम तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे या हम तबाही के गड़े में चले। यहाँ पे नौजवान आपसे मिलते हैं शेख साहब तो वो खुश हैं, वो यूथ लोन स्कीम पे मियां साहब कहते हैं 30 लाख नौजवानों को कर्जा दे रहे हैं। मेरे SMS पढ़े तो आपको पता लग जाएगा क्या लिख रहे हैं SMS में लोग, उनको समझ आ गई गरीब का कौन गारंटर है जी, उनकी डिग्री उनकी गारंटर नहीं है, जो उन्होंने डिग्री हासिल की है उस पर रोजगार नहीं मिल रहा, यानी वो उनकी उम्र जा रही है, वो PN बनने के लिए तैयार हैं कि यार हमारी उम्र ना आ, हमें PN लगा दें ताकि हम ऑन रोल हो जाएं, लाइन में लग जाएं, फिर हम अपना कुछ करते रहेंगे। देखिए इस मुल्क में मैंने आपसे कहा ना, ये गैंग ऑफ 7 विद गैंग ऑफ 7 सनतकार और विद 30 kids, ये इस मुल्क की तबाही का। और ये जो आप जब सब जाते हैं सड़कों पे तो लोग आपसे कहते हैं शेख साहब नेटो बंद करके बैठे हैं एहतजाज करें या महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें? लोगों का नेटो और ड्रोन से कोई दिलचस्पी नहीं, लोगों की महंगाई और बेरोजगारी से दिलचस्पी है। मुझसे ये बात मैं खान साहब को भी कहता हूँ, आप ये ना समझे कि मैं एटलीस्ट मैं आप पहुंचाते हैं बात नहीं, मैं सामने एज ए फ्रेंड उनसे बात करता हूँ कि यार देखो नेटो ठीक है लेकिन लोग महंगाई और बेरोजगारी से मरे पड़ रहे हैं, ये उनका बेसिक इश्यू है। अगर यही हल नहीं होता तो उनपे तो रोज ही ड्रोन गिर रहा है, महंगाई का ड्रोन गिर रहा है। सो हमें इन बुनियादी चीजों को, लोगों को जीने का हक देना चाहिए, जो जमहूरियत लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक नहीं देती वो जमहूरियत नापायदार, वो जमहूरियत इंतशार और खलफशार की शिकार होती है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो तबाही और बर्बादी की तरफ ही ले जाती है।
चाहिए, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपने शो में ज्वाइन किया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेख रशीद अहमद साहब की सरबरा अवामी मुस्लिम लीग लाल हवेली में, आज हम मौजूद आपको आज का शो यहाँ से पेश किया। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, न्यूज़ बन देखते रहिएगा।